बलिया में इन दिनों गढ़ा महोत्सव की धूम है। इस अवसर पर शनिवार को वहां भव्य भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सहारा इंडिया मीडिया के ग्रुप सीईओ और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी ने किया। श्री उपेंद्र राय ने मंच पर पहुंचते ही उपस्थित लोगों ने हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत किया। उनका स्वागत करते हुए मंच पर लोगों ने कहा कि उपेंद्र जी ने जिस मुकाम को पाया है उसे इलाके के लोगों को उन पर नाज है। इसके बाद श्री उपेंद्र राय जी को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भोजपुरी के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता कुणाल को श्री उपेंद्र राय जी ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री राय ने इलाके के लोगों से अपील की कि नौकरी के लिए वो पलायन ना करें, अपनी जन्मभूमि पर सम्मान से जीने का एक अलग महत्व है। मुझे दुख तब होता है जब अपने तरफ के लड़के 10-12 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए दिल्ली और मुंबई सुदूर जगहों में जाते हैं, तो उस वक्त मैं जितनी बार ऐसे लड़कों से मिलता हूं, अपने छोटे भाइयों से मिलता हूं, मैं सोचने के लिए बड़ा मजबूर होता हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अपना गांव, अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़ के कोई 10-12 हजार की नौकरी की तलाश में यहां से हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है। ऐसा क्यों नहीं है कि जो अपना पुश्तैनी काम है, खेती का ही काम है, अगर साहस और मन बांध के उसको अच्छे तरीके से किया जाए तो खूब आराम से घर बैठे ही एक अच्छी रकम कमाई और बनाई जा सकती है। इसकी क्या जरूरत है कि हम अपनी गरिमा से समझौता करने के लिए 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए यहाँ से सुदूर बंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जाके हम धक्के खाते हैं और किसी गेट पे खड़ा होकर गेट कीपर और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। हमारी गुलामी के पीछे साथियों एक और सबसे बड़ी वजह जो 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 मैंने महसूस की कि जितने आक्रमणकारी आए हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए, अगर हम तलवार से लड़ रहे थे तो वो तोपे लेके आए, हम हाथियों से लड़ रहे थे तो वो कुशल घोड़े लेके आए, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में, तकनीक में, वैज्ञानिक सोच में वो हमसे आगे थे और हमसे आगे निकल गए। जब सिकंदर के सामने राजा पुरुष गुरु को पेश किया गया तो सिकंदर ने राजा पुरुष से यही सवाल पूछा कि हम तो समझते थे कि हिंदुस्तान में बड़े समझदार लोग पाए जाते हैं, लेकिन राजा पुरु आपने तो 10 हजार हाथियों से ऐसा लगा जैसे आप हमारे साथ युद्ध लड़ने नहीं आए थे, हमारी अगुवानी करने आए थे, क्योंकि हमारे यूनान में तो हाथियों से अगुवानी की जाती है और घोड़ों से लड़ाई लड़ी जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में हमारे उन नेतृत्व देने वाले लोगों द्वारा कुछ न कुछ ऐसी बुनियादी भूल की गई जो हमारे अंदर 10-12 हजार की नौकरी करने की वो सोच, वो सिंड्रोम, वो आदत आज 3 हजार साल भी नहीं बाद भी हम समाप्त कर पाए हैं, या 3 हजार साल भी यहां से जा नहीं पाई है हमारे जहन से। इस मंच से भोजपुरिया समाज के सभी लोगों को से मैं निवेदन करता हूं, मैं आह्वान करता हूं कि आप अपने घर में सम्मान से जीना सीखिए, अपनी गरिमा को अपने दिल से लगा के रखिए।